अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर मैन टीचर जुनैरा फ्रॉम अलाइड स्कूल अल फजर कैंपस। यूनिट 4 है आपके पास, वेक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 4A ही है। 4A का क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। एक आपके पास मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और सेकंड मेथड आपके पास मतलब कि जिसका सेकंड नेम है वो आपके पास स्टेयर्स मेथड इसको कहते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका नेम है, और एक नाम इसका क्या है, स्टेयर्स मेथड। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है आपके पास 300 and 3996। आपने क्या करना है, जो दोनों में से स्मॉलर है वो बाहर रहेगा और जो ग्रेटर है उसको आप अंदर रखोगे। ठीक है, अब 300 को आपने क्या करना है, 300 का टेबल पढ़ना है आपने कि 3996 तक आ जाए। ठीक है, आपने 300 का टेबल पढ़ा और वो क्या किया, 13 पे पढ़ा, तो 13 तक क्या आया, 3900 आया। फिर आपने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस किया, यानी 6 में से 0 गए 6 आ गया, 9 में से 0 गए 9 आ गया, बाकी 9 9 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया। अब आपके पास 96, आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो 300 जो आपका पहले डिवाइजर था वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड। यानी आप डिविडेंड को अंदर रखते जाओगे, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर बनता जाएगा। अब आपने जो आपका 300 अंदर आ गया, 96 जो आपका रिमाइंडर था उससे आपने अब डिवाइड करना है इसको। 96 का टेबल पढ़ना है आपने, 96 3 2 8 आया। अब 0 में से 8 जो है वो माइनस नहीं होता, तो आपने क्या लेना है, कैरी लेना है। साथ वाले में चेक किया तो वहाँ पे भी 0 ही था, वहाँ से भी कैरी नहीं आता, तो आपने 3 में से अब कैरी लेना है। यहाँ पे आपने जब कैरी लिया तो 10 बन गया आपके पास, 10 से आपने इधर कैरी ले लिया। ठीक है, इसके पास 10 बन गया और पीछे क्या रह गया, 9 रह गया। 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, और 9 में से 8 गए तो 1 आ गया। अब ये आपका रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका पहले डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, आपने 96 को अंदर रख दिया तो 12 का टेबल पड़ा, 12 8 96 आ गया आपके पास। ठीक है, तो जो 12 है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, उसमें ये भी एज इट इज सेम वैसे ही है। आपने क्या करना है, जो दोनों नंबर्स में से ग्रेटर है वो अंदर आ जाएगा और जो स्मॉलर है वो बाहर आएगा। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 4 4 5 को डिवाइड किया 1 पे, तो आपके पास क्या आ गया, 5 4 4 5 आ गया। फिर आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, आप डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका पहले डिवाइजर यानी 5 4 4 5 आपका कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने फिर इसको डिवाइड करना है, और फिर आपने क्या किया, इसको 1 पे डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 8 7 2। फिर आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या है, 1 5 7 3। अब जो आपका पहले वाला जो डिवाइजर था आपने उसको क्या कर दिया, अंदर कर लिया, और उसको फिर दोबारा से अब जो आपका रिमाइंडर था उसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 1573 को मल्टीप्लाई करवाया है 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया आपने तो आपके पास आंसर आया है 3146 आया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 12 में से 2 में से 6 नहीं जाता, तो आपने कैरी लिया, 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, और सात वाले नंबर में आपके पास क्या रहेगा, 6 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, और 7 में आपके पास क्या रहेगा, 8 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। इसी तरह आपने 1573 को जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या बनता जाएगा, डिविडेंड बनता जाएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर बनता जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये सेम ऐसे ही होंगे, इसके 4 पार्ट्स हैं, वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने करने हैं। नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में आपके पास 3 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, पहले आपने 2 नंबर्स को सॉल्व करना है, मतलब कि जो आपके पास 2 ग्रेटर नंबर्स हैं आपने वो ले लिया, जो सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर था आपने उसको अंदर रख लिया, और जो दूसरा सेकंड नंबर था आपने उसको क्या किया, बाहर रख लिया। इस तरह आपने उसको डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, और फिर आपने 1330 आपके पास आ गया, तो फिर आपने इन दोनों को माइनस किया, तो आपके पास 133 आ गया। अब आपने जो आपका डिवाइजर यानी 665 था वो अंदर आ जाएगा, तो जो आप 1335 का टेबल पढ़ोगे, 1335 में 5 पे ही 655 आ जाता है, ये पूरा पूरा चला गया है, यानी 0 रिमाइंडर बचा है। तो सेकंड पे जो आपका थर्ड नंबर क्या रह गया था, 399 रह गया था, तो आपने 3399 को अब जो आपका जो पहले आपने सॉल्व किया था उसका जो HCF आया है 133 उसी के साथ सॉल्व करना है। ठीक है,
133 में 3 के टेबल पे 399 आ जाते, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 133 आपका HCF होगा। आपके पास अब क्या आ गया, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास 4 ही नंबर्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इनमें जो सबसे जो ग्रेटर नंबर्स हैं पहले उनको सॉल्व करना है। तो 3, 4, 1, 6 जो आपके पास वो सबसे ग्रेटर नंबर, सेकंड नंबर पे 1, 2, 8, 1 आपके पास है। तो आपने जो ग्रेटर वाला नंबर है उसको अंदर रख लेना, 1, 2, 8, 1 पे इसको सॉल्व करना है। 1, 2, 8, 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2, 5, 6, 2 आ गया। तो आपने फिर इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 8, 5, 4 आ गया। तो जो आपका अब डिवाइजर था वो आपका क्या हो गया, डिविडेंड बन गया। ठीक है, मतलब अंदर लिखना है आपने उसको। और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन गया है, डिवाइजर बन गया। 854 का टेबल पड़ा तो आपने इसको 1 पे किया, ठीक है, 854 आ गया। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 427। और जो आपका डिवाइजर था वो आपका क्या हो गया, डिविडेंड। 854 आपने अंदर लिख लिया, 427 का टेबल पड़ा, 427 के टेबल में 2 पे क्या आता है, 854 आ जाता है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, ये पूरा पूरा हो गया। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो आपके पास आंसर क्या आया अब, जो आपने 427 आया, ठीक है, 427 आया आपके पास आंसर। और अब आपने क्या करना है, 427 को आपने क्या किया है, अंदर रखा है। और 427 पे अब जो थर्ड वाला नंबर है उसको भी 427 पे करना है, और जो फर्स्ट वाला नंबर यानी 427 है उसको भी। ठीक है, आपने 427 को जो आपने अंदर रखा और 427 को ही बाहर रखा, तो आपने इसको क्या किया है, डिवाइड किया। 427 सेवन का 427 आ गया। तो इसको जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसका आंसर आपके पास ये आया। जो अब आपके पास लास्ट में थर्ड नंबर बच गया 11559, उसको भी आपने 427 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि जब हमने पहली डिवीजन की तो जो सर्कल हुआ 427 बचा था एंड पे। फिर जब हमने सेकंड डिवीजन की तो भी आपके पास क्या बचा है, 427 बचा है। तब आपके पास थर्ड डिवीजन करने लगे हैं तो आपके पास क्या आएगा, 427 ही से हम इसको डिवाइड करेंगे। 427 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 854 आ गया। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास 305 आ गया। ठीक है, आपने 427 को अंदर रखा और 305 पे डिवाइड किया, 305 1 3 0 5 आ गया। आपने इसको माइनस किया इन दोनों नंबर्स को तो आपके पास 122 आ गया। ठीक है, अब आपने 305 को अंदर रखना है यानी, और 122 का टेबल पढ़ना है। 122 को 2 पे डिप किया तो आगे बस 244 आ गया। आपने इन दोनों नंबर्स को क्या किया है कि माइनस किया, माइनस करने के बाद आपके पास आया है 61। ठीक है, अब आपने 122 को अंदर रखना है और 61 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 61 के टेबल में 2 पे आता है 122। तो ये आपके पास पूरा पूरा सॉल्व हो गया, कोई कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो जो आपको जहाँ पे मैंने एरो मेंशन किया हुआ है यानी जो 61 लास्ट पे बचा है वो आपका क्या होगा, जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर एंड हो गया तो वो आया है 61। तो आपका HCF क्या होगा, 61 होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2300 एंड 3500 लिविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर रिक्वायर्ड नंबर। आपके पास क्या है, उसने कहा कि आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, जब आप इसको 2300 के साथ डिवाइड करो तो वो 32 रिमाइंडर बचे, और जब आप 3500 को करो तो आपके पास 56 रिमाइंडर बचे। तो आपके लिविंग का मतलब है माइनस। ठीक है, आपने 2300 रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो चीज़ पहले है वो पहले आएगी, जो बाद में वो बाद में। 2300 को आपने क्या किया, माइनस कर दिया 32 में से, और 3500 जो बाद में था उस वाले नंबर को बाद वाले नंबर से माइनस कर दिया। 3500 को 56 में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 3444 आ गया। ठीक है, अब आगे बस टू नंबर्स आ गए हैं, 2268 और 3444 जो मैंने सर्कल्स किए हुए हैं। ठीक है, अब जो ग्रेटर नंबर है वो अंदर आ जाएगा और जो स्मॉलर नंबर है वो बाहर। अपने एज इट इज़ जो पहले हमने पार्ट में लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन किया कि जो आपका डिवाइजर होता है पहले आप उसको डिवाइड करते हो, जब रिमाइंडर आ जाता है आपके पास रिमाइंडर आपका डिवाइजर बनता जाता है, और जो डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बनता जाता है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ध्यान से। नंबर 7 है, अ रूम इज 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेड विद द स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है,
उन्होंने कहा एक रूम है उसकी जो लेंथ दी हुई और ब्रॉड बताया वह सारा, और आपने क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट लेंथ फाइंड करनी है टाइल की स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर क्या आपके पास सबसे पहले क्या लेंथ ऑफ रूम आपने लिखी 12 मीटर 15 सेंटीमीटर, और आपके पास 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे मीटर वाले को क्या करोगे मल्टीप्लाई करवाओ, 12 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1200। तो 1200 में आप 15 सेंटीमीटर को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास 12 15 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ब्रेथ जो आपके पास थी रूम की वो है 8 मीटर 91 सेंटीमीटर, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है। आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ 8 को और आपके पास आया 800, और प्लस किया आपने 91 के साथ तो फिर आपके पास क्या आ गया 891, यानी दोनों हमने चेंज कर लिया किस में, सेंटीमीटर में हो गया। अब आपके पास दो नंबर आ गए हैं, आपने एक आपने क्या करना है इनके फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। जो ग्रेटर नंबर है वो आपका कहाँ आ जाएगा अंदर, जो स्मॉलर नंबर है वो बाहर आ जाएगा, और एंड पे जो आपका जहाँ पे मैंने एरो मेंशन किया हुआ है वो आपका क्या है आंसर है, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 81 सेंटीमीटर है, यानी जो आपका एच सी एफ भी है वो क्या आया है 81 आया, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज, यानी जो लार्जेस्ट लेंथ थी टाइल की उसको फाइंड करना है आपने। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद एन एच सी एफ ऑफ 24। वो कहते हैं 100 और 150 की रेंज के दरम्यान में ही आपने टू नंबर फाइंड करने हैं जो इनका एच सी एफ क्या हो 24 हो, ठीक है। आपने चेक यहाँ पे चेक कर लिया, यानी रेंज क्या होनी चाहिए 100 और 150, यानी 150 के अबव नहीं जाना और 100 से बिलो नहीं जाना आपने। तो 24 का टेबल भी आपके पास मेंशन है तो आप ज़रा चेक करें, तो 24 4s are 96 है, 96 पे तो वो क्या जा रहा है 100 से बिलो जा रहा है, तो 24 5s are क्या आया 120, और 24 6s are क्या आया 144, और 7 पे क्या आ जा रहा है 150 से अबव जा रहा है। तो जो 24 5 times है और जो 24 6 times है वो विद इन द गिवन रेंज है, यानी 100 और 150 की रेंज के दरमियान में है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज हमारे पास क्या होंगे रिक्वायर्ड नंबर, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 144, यानी ये दोनों जो नंबर हैं वो हमारी इस रेंज के दरमियान में है, और इनका जो एच सी एफ है वो क्या है 24 ही है।